नमस्कार, आप देख रहे हैं i9 24। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में माओवादी और जवानों की मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, सर्चिंग के दौरान नक्सली के शव और हथियार बरामद। बिहार के बक्सर में केमिकल का असर, एक ही परिवार के 5 लोगों की आंखों की गई रोशनी, प्राथमिक इलाज के बाद सभी PMCH रेफर। झारखंड के लोहरदगा में बिजली व्यवस्था की बदलेगी सूरत, 10 करोड़ की लागत से मुंबई की कंपनी शुरू करेगी काम। और छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में ग्रामीणों ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में ताला जड़कर किया विरोध, लंबे समय से हाई स्कूल खोले जाने की है मांग। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बुर्कापाल की घटना के बाद बस्तर पुलिस लगातार नक्सलियों पर शिकंजा कसती जा रही है। बारसूर क्षेत्र में विलास को मौत के घाट उतारने के बाद गुरुवार को इसी क्षेत्र में पुलिस जवानों ने नक्सलियों को एम्बुश में फंसाया और जैसे ही मोबाइल किलिंग जोन में पहुंचे उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 3 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सेक्शन नंबर 6 का कमांडर महेश मारा गया। इंटेलिजेंस के मुताबिक लगातार यहाँ के नक्सली कभी पर्चे तो कभी चावर में आग लगाकर गाँव वालों के बीच अपना भय बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। गौरतलब है कि लीडर विलास के मारे जाने के बाद उनके सहयोगियों में बौखलाहट नजर आ रही है। बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सली नदी पार कर बेचा से कुदूर की तरफ आ रहे हैं। इस पर पुलिस ने एसटीएफ व डीआरजी के 150 जवानों को ऑपरेशन पर भेजा। नदी में पानी अधिक होने के चलते नदी के इसी पार जवानों ने एम्बुश लगाया। करीब 12 घंटे तक लगाए एम्बुश में माओवादी जैसे ही नदी पार कर पहुंचे, जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी देख नदी के उस पार से माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक चली मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली को जवानों ने मार गिराया। वहीं सर्चिंग के बाद नक्सली शव और हथियार जवानों ने बरामद किया। इस ऑपरेशन में शामिल टीम के लीडर को बस्तर आईजी विवेकानंद, डीआईजी सुंदर राजपी और एसपी आरिफ शेख ने इनाम के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए। जो हमारे कमांडर है डीआरजी कमांडर के द्वारा बताया गया कि नदी में भी काफी सब, चूंकि नदी के उस पार से नक्सलियों के द्वारा लगातार सतत फायरिंग की जा रही थी, इसलिए और अन्य भी सामान सचिव में मिले हैं, इसमें वॉकी टॉकी कुछ नक्सली साहित्य सारे सामान मिले हैं। कंपनी नंबर 6 उसका लोकेशन कुदूर ककनार क्षेत्र में होने वाला है, तो उसके पश्चात हम लोगों ने एसटीएफ और डीआरजी की टीम को रवाना किया था और उसके पश्चात वहाँ पे जो रानी डोंगरी रागस मेटाका जो क्षेत्र है नदी के पास इनकाउंटर हुआ पुलिस बल और नक्सलियों के बीच में, जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। एक डेड बॉडी हम लोग ने बरामद की, एक SLR राइफल मिली है, इसके साथ साथ करीब 8 से 10 नक्सलियों के मारे जाने की भी आशंका है। तो हमारा एक एसटीएफ का जवान भी उसमें घायल हुआ था लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर है। इस हिसाब से एक बहुत ही सफल ऑपरेशन उस क्षेत्र में बस्तर पुलिस द्वारा चलाया गया है और लगातार बस्तर पुलिस द्वारा उस क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है। i9 24 के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। बिहार के बक्सर में अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर और देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की आंखों की रोशनी अचानक चली गई। आंखों की रोशनी जाने के बाद घर में चीख पुकार मच गई। गांव वालों की मदद से मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद सभी को स्थानीय PHC में भर्ती कराया गया जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उपचार कर रहे चिकित्सकों को भी लगा कि यह मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा आनन फानन में सभी पीड़ितों को बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बक्सर सदर अस्पताल में भी मामले की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने सभी पीड़ितों को पटना PMCH रेफर कर दिया। देखिए, हमको एक हमारे मित्र बताया कि एक गांव में, महिला गांव है इटाड़ी के बगल में, वहाँ ऐसी ऐसी घटना घट गई। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम सुने तो हम अपने मित्र के द्वारा वहाँ पर उचित माध्यम से इटाड़ी PSC के सेवा से, मतलब 102 एम्बुलेंस के द्वारा एक सदर हॉस्पिटल में मंगवाने का काम किए हैं। यहाँ पर उसके आने के बाद डॉक्टर साहब लोग बढ़िया से देख रेख किए, उसके बाद इनको पटना रेफर कर दिए। कपड़ा फिचनी नो दोपहर कपड़ा फिचनी न होइ नी, साझी बेरा बसा के गड़े लागल, एकदम आ गड़े लागल, दर्द कर लागल, खूब पानी गिरे लागल, मलकार कहनी तो कह दल के घाव लागल हुई, अच्छा आँखों खोदाई लगे कि नाक नहीं खोदाई, तो बिहार में दवाई आई, दवाई आई तो बिहार लोग दवाई आई पर तो ना आराम है, कुछ ना आराम है, तो दूसर का डॉक्टर कह ले दवाई आई, तब उतना तो नहीं आराम हो,
तब इटाड़ी हमारा मलकार के एगो बड़का बबुआ के एगो छोटका बबुआ के एगो बुसिया के पाँचे परिवार बड़ बकुल बन जाए पाँचे परिवार पर हो गए इलाहाबाद से कम हैदराबाद से कमा के आया तो किसी का बाप आता है तो बाल बच्चा तो उसको घेरिए लेता है तो कुछ लाए हैं पापा तो वही लाए थे कपड़ा था उस कपड़ा में पहले से केमिकल था और उसको ला करके दो ठो दस्ताना मिला दोनों दस्ताना को निकाल के बच्चा खेलने लगा और उसके बाद इस कपड़े को बोला कि तुम धो दो धोने लगा और धोने के बाद बस धीरे धीरे सबको गैस लगना शुरू हो गया आज दो दिन से इसको गैस लगा हुआ है हम लोगों को जैसे रिपोर्ट मिला हम लोग थाना प्रभारी को आदेश दिए हम गश्ती में थे बस तुरंत वहाँ पहुँचे पहुँचने के बाद में एम्बुलेंस भी आया सबको पानी से पहला उपचार करवाए सबको आँख खुलवाए आँख धुलवाए धुलवा करके उसके बाद एम्बुलेंस में बिठाए डॉक्टर साहब भी थे पाँच है एक ही परिवार का पाँचों हैदराबाद से आई हैदराबाद से आई तो लड़का कहन कि पापा का ले बड़ा कहीं बैग में मिठाई बा हे बोरिया में का हो कहीं बोरिया में कपड़ा हो ना कपड़ा ना खोल के देखाब तो खोल के देखाब लगन तो निकलनियों में तो पसंद दस्ताना मान ली कि दू गो में रहे ले कल पर चल गए कल पर कहल कि धो के पापा तनि फुला दे रखे तो हम फुला दे अपन खेल लगल खेले आ कपड़ा कहनी माई के गुजर खींच के लेन मेरा खींच दो कहना केमिकल हुई कारण केमिकल वाला हई है तो खींचली और बाद तीन चार पाँच घंटा के बाद औषधि देखा दिया उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंची खनन एवं आबकारी राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे सूबे सियासत में हलचल का दौर शुरू हो जाएगा। अर्चना पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये काफी वर्षों की बिगड़ी हुई व्यवस्था है इसलिए समय लगेगा। खनन पर एक नई फोर्स को संगठन करने जा रही है। प्रदेश में भूमाफियाओं पर नकेल कसने जा रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, सरकार अपराध पर फास्ट एक्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है, थोड़ा प्रतीक्षा करें। बिगड़ी हुई व्यवस्था को समझने में समय लगेगा। ये 20 वर्ष पुरानी बिगड़ी हुई व्यवस्था है। सुधारने के लिए घर बहुत गंदा हो तो कम से कम दीपावली पर 20 दिन लगते हैं साफ करने में। ये घर बहुत गंदा था, इसको ठीक करने में समय लगेगा। नई फोर्स, खनन की नई फोर्स का गठन करने जा रहे हैं ताकि इस तरीके के जो माफिया हैं इन पर नकेल कसी जा सके। जो भी इस तरीके की चीजें हम लोगों के सामने आ रही हैं उनका समाधान हो रहा है। अभी भी लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज अगर हमारे संगठन के लोग या और कोई हमें इस तरीके की कोई बात लिख कर देंगे तो तत्काल उस पर कार्यवाही होगी। सारे सिंडिकेट तोड़ेंगे, चाहे पांटी चड्ढा का हो, चाहे खनन में हो या किसी और विभाग में हो, ये सारे सिंडिकेट तोड़ दिए जाएंगे। सरकार सबका साथ सबका विकास। झारखंड के कोडरमा में सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। भव्य पंडाल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश की मंत्री नीरा यादव, मंत्री राज परिवार, कोडरमा सांसद रविंद्र राय, धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह, बरकट्टा विधायक जानकी यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने केंद्र सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया और सरकार के 3 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें जो सारी बातों को अमल किया जा रहा है इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी पूरे जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी जो योजना है वो सारे जन उपयोगी योजनाएं हैं। 3 वर्ष मोदी सरकार के पूरे हुए, उसी उपलक्ष्य पर 3 साल बेमिसाल और जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा कि सबका साथ सबका विकास, मेरा मानना है कि 3 वर्ष के छोटे से कालखंड में सबका साथ सबका विकास नारे को मैंने सार्थक करने का प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात जब सरकार बनाए तो उन्होंने कहा था कि यह सरकार समर्पित है गरीबों के लिए, यह सरकार समर्पित है किसानों के लिए, यह सरकार समर्पित है नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए। झारखंड के लातेहार जिले में स्वास्थ्य विभाग का यह हाल है कि लोगों का इलाज करने वाला स्वास्थ्य विभाग खुद ही बीमार है। लातेहार जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बेंदी पंचायत है। इस पंचायत की आबादी 7,000 के करीब है, मगर इनकी स्वास्थ्य सेवा के लिए मात्र एक ही ANM है। वहीं पंचायत में चल रहा स्वास्थ्य उपकेंद्र
केंद्र वन विभाग की भवन में चलता है। भवन में पानी, बिजली, शौचालय, ANM, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है और राज्य सरकार का स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव है कि वे स्वास्थ्य केंद्र में ही रहें और संस्थागत प्रसव कराएं। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये वन विभाग में चल रहा है। यहाँ एक ही ANM है, जहाँ दो ANM का स्थान में एक ANM मैंने स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही है। आने जाने का कोई साधन नहीं है, सेशन साइड 12 है, प्लस डिलीवरी भी करना पड़ता है और सेंटर भी खोलना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई सुविधा है नहीं, पेशेंट डिलीवरी जब करते हैं तो लेटरिन बाथरूम का सुविधा है नहीं, ANM को रहने के लिए आवास नहीं है। सरकार का जो मशीनरी है, जो हैंड उनके ऊपर सरकार का सख्त हिदायत है, वो अपने अपने क्षेत्रों में बखूबी अपने कार्यों को निभा रहे हैं। अभी हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिससे स्वास्थ्यकर्मी को दिक्कत होती है। ये हमारे संज्ञान में आ चुका है। मैं निश्चित तौर पर इसे सरकार स्तर में बात करके यहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र का निर्माण कराऊँगा और जो भी आवश्यक उनके लिए होगा उसको हम पूरा करेंगे। हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ बहाल रखा जाए और छोटी 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 स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। चैलेंज तो हमेशा बनी रहती है, चैलेंज कभी समाप्त नहीं होती। हाँ, हो सकता है कभी चैलेंज छोटा हो या फिर चैलेंज बड़ा हो, लेकिन चैलेंज होता है। हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और हम लोग और स्वास्थ्यकर्मी यहाँ नियुक्त हो, इसके लिए सरकार। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में ग्रामीणों ने 3 प्राथमिक और 1 माध्यमिक स्कूल भवन में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लंबे समय से यहां हाई स्कूल खोले जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा इस ओर अनदेखा किया जा रहा है, उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। इधर प्रदर्शन की खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास किया। हड़ताल भी किए और इस वर्ष भी हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं खुला, जिसके कारण हम आज सभी स्कूलों में तालाबंदी किए हैं और सब ग्रामीण एक जगह हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चे भी हमारा बच्चे और उनके अभिभावक भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे आंदोलन और उग्र करेंगे, हम भविष्य में चक्का जाम करेंगे और हम हाई स्कूल के लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। हाई स्कूल का मांग करते हुए आए और आज तक जो है कि हाई स्कूल नहीं खुला और बजट सत्र में कोई सुखरा पारक का नाम था और अभी नाम नहीं है, इस कारण हम लोगों को फिर जो है ना मांग कर रहे हैं शासन से। झारखंड के लोहरदगा में बिजली व्यवस्था की सूरत बदलने की शुरुआत हो चुकी है। 10 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई की कंपनी ने शनिवार से इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। शनिवार को सदर अस्पताल में ट्रांसफार्मर लगाने और AV स्विच लगाने के कार्य का लोहरदगा विधायक सह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने शुभारम्भ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि लोहरदगा के लोगों को बिजली की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस योजना के तहत पूरे शहर में 28 किलोमीटर तारों को बदलने के साथ साथ कई आवश्यक काम किए जाएंगे। लोहरदगा के माध्यम से यहाँ जो तारों की जर्जर स्थिति है पूरे लोहरदगा में और APDRP के अंतर्गत ये सैंक्शन हुआ है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने जो हमारे लाइन है वो पुराने जो पोल है वो बदले जाएंगे, तार बदली जाएगी, जहाँ पर केबल देने की आवश्यकता है वहाँ दी जाएगी और एयर ब्रेकर स्विच, पहले होता था कि लाइट ऑफ हो गया तो लाइन चली गई तो पूरे लाइन अगर कहीं डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा लोहरदगा का शट डाउन करना पड़ता था। अब जहाँ जिस एरिया में जहाँ अगर वहाँ की अगर विद्युत व्यवस्था अगर चरमरा गई तो वहाँ के ट्रांसफार्मर से एयर ब्रेकर स्विच के माध्यम से वो हम लोग उसी जगह पे शट डाउन करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बिहार के रोहतास में बच्चों के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दलितों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 5 महिला सहित 7 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद गांव में काफी तनाव है। घायलों को इलाज के लिए चिनारी PHC में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बच्चों के बीच आपसी विवाद हो गया था, जिसके बाद दलितों ने डेहरी के अनुसूचित जाति थाने में केस दर्ज करा दिया था, जिसके बाद जमकर मारपीट हो गई और दबंगों ने दलित महिलाओं को भी जमकर पीटा। झगड़ा ही है, पहले को बचाए को रहे ना, तो उनको एक बचाए को रहे, तो अपने में दो को झगड़ा कर लग जाए, तो एगो हाथ एगो भाई बा हमारा, वो गोई दो करो के मार लग जाए, एगो हमारा हमारा बड़ बड़ भाई बा,
ओकरो के मार लगल जाए फिर स्कूल पर मार के ले गेल मार के ले गेल घरे घरे अपन कोड़े बन के बंद करके मारत रह जा हम गोनी तो हम नरियात रही भैया भैया तो छाती पर लद देलन जा मुंगा के छाती तो हम का देह पर कूदवे नहीं तो हमारा के झोंटा ला सर के हम के लगल ना फिर दबा के मार जीतन जीतन तिवारी जीतन के बाबू और उनका भाई है वो। बिहार के सिमरी में शुक्रवार को रोहतास के एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान रोहतास जिले के थाना शिव सागर निवासी मोहम्मद अनवर के रूप में की गई है। मृतक जेसीबी का चालक था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। जेसीबी के छत के ऊपर सोए हुए थे और वहीं पर हम लोग को सूचना हुई, हम लोग जा कर के उसको उतारे, तब जाकर ले आए स्वास्थ्य केंद्र सिमरी। वहाँ पर मैंने डॉक्टरों से को लिखवा पढ़ा करके वहाँ से हम लोग ले आए थाना पर। अब अभी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लाए। ये जेसीबी सामनारायण पांडे का जेसीबी का ड्राइवर थे। के 8-9 बजे तैयार हुआ और वहीं से वो खाना खाया होटल में और ले जा करके द्वार पर लगाया और वहाँ छत पर सो गया उसी गाड़ी के ऊपर। इसके बाद रात में अपना सुबह जब जगाया जा रहा है तो जगा ही नहीं। कहाँ के थे ये सासाराम कराने वाला? आइए एक नजर डालते हैं देश की सराफा बाजार पर। आइए देखते हैं देश के चुनिंदा शहरों के मौसम के तेवर। INN24 पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।